कल मैंने आपसे बताया था, सबको सुनाई दे रहा है या नहीं? पीछे तक सुनाई दे रहा है? आपसे मैंने ये बताया था कि मनुष्य का शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि आदि, उसका जितना भी पूरा व्यक्तित्व है, उसकी जितनी पर्सनालिटी है, वो सब कुछ तीन तरह के शक्ति से बना है। एक शक्ति जिससे कि हम अस्तित्व बन के रहते हैं, वो मनुष्य में प्राण स्वरूप होती है और जिसका स्थान हृदय में होता है। उनको सामने ले आइए, कुछ परेशान। दूसरी शक्ति जो कि हमारे पेट में होती है, जिसके कारण हमारी आज मनुष्य दशा तक उत्क्रांति हुई है, वो है धर्म। और तीसरी शक्ति जो एक चेतनामय है, जिसे हमें बुद्धि आदि अनेक चेतना के अवलंबन मिले हुए हैं। लेकिन ये तीनों ही शक्तियां सर्वव्यापी परमात्मा के प्रेम से पाई जाती है। परमात्मा का सर्वव्यापी प्रेम इन तीनों शक्तियों को संचालित रखता है और समग्र बनाता है, माने इंटीग्रेट कर देता है। जैसे कि जड़ वस्तु में भी जो आपको वाइब्रेशंस दिखाई देते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस कहते हैं, वो भी उसी स्थिति स्वरूप प्राण का ही सोया हुआ स्वरूप है। जब वो जाग जाता है तब वो प्राण हो जाता है। जो एक छोटे से अमीबा में पेट में भूख लगती है, वही मनुष्य के अंदर में धर्म के रूप में जागृत हो जाती है। धर्म हरेक वस्तु मात्र में है। जैसा मैंने आपसे बताया था कि सोने का धर्म यह नहीं है कि वो पीला है, उसका धर्म यह भी नहीं है कि उससे आप जेवर बना सकते हैं, लेकिन सोने का धर्म है कि वो किसी भी हालत में टार्निश नहीं होता, खराब नहीं होता। अब जो तीसरी चीज है चेतना, वो मनुष्य में, मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे अधिकतर प्रगल्भ है, डेवलप्ड है। मनुष्य पूरी तरह से इन तीन शक्तियों में पूर्णतया मैच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है। अब उसकी तैयारी हो गई है कि उस तीनों शक्तियों का संचय, जो एक शक्ति परमात्मा का प्यार है, उनका प्रेम है, उसे जाने। जो एक शक्ति ही तीनों में बढ़ गई है, वो एकाकार हो जाए, उस परम शक्ति का एक थोड़ा सा अंश हमारे अंदर कुंडलिनी के रूप में त्रिकोणाकार अस्थि में सोया हुआ रहता है। जिस वक्त कोई भी ऐसा इंसान जिसने इस प्रेम को अपने अंदर ले लिया हो और जिसके अंदर से ये शक्ति समग्र होकर, इंटीग्रेट होकर बह रही हो, माने जो आदमी रियलाइज्ड सोल हो, वो
किसी साधक के ऊपर अपना अनुग्रह करता है, तभी कुंडलिनी आपकी माँ जागृत होती है। लेकिन वैसा साधक कल सोचे कि नहीं, मैं ही अपनी कुंडलिनी जागृत करूंगा, तो वैसी ही बात हुई है कि जो गाड़ी चलाना नहीं चाहता है, जानता है, वो मोटर चला रहा है। जिसको मोटर चलाना नहीं आता है, ऐसा अगर आदमी मोटर चलाए तो मोटर का धज्जा बन जाता है। इसी प्रकार जो लोग अपनी कुंडलिनी स्वयं जागृत करना चाहते हैं, वो अपनी सारी ही कुंडलिनी की संस्था को, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अगर कोई अनजान आदमी उस कुंडलिनी को जगाना चाहता है, तब भी यही हो जाता है। कोई अगर अपवित्र आदमी आपकी माँ की ओर अग्रसर होता है और उसको जगाना चाहता है, तब भी ऐसा ही हो जाता है। और अगर कोई आदमी पैसे के लिए, आपको लूटने के लिए, आपको बेवकूफ बना करके आपके कुंडलिनी पर हाथ डालता है, तब भी यही काम हो जाता है। वही इंसान जो परमात्मा के उस सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति से पूरी तरह से प्लावित हो, जिसके अंदर सामूहिक चेतना पूरी तरह से बह रही हो, इस बात का अधिकारी है कि कुंडलिनी पर आमंत्रण का आरोप करें। कुंडलिनी का आमंत्रण ऐसे वैसे आदमी भेज नहीं सकते। और जो इस तरह के भद्दे प्रयत्न करते हैं, वो बड़े भारी पाप के भागीदार हो जाते हैं। जो दूसरों की कुंडलिनी को नष्ट कर देते हैं, उनकी स्वयं ही कुंडलिनी जन्म जन्मांतर के लिए भ्रष्ट हो जाती है और वो कीड़े मकोड़े के जन्म लेते हैं। इसलिए कुंडलिनी के साथ खेलने का साहस कभी न करें। बाकी सब चीजों में ठीक है, आप स्मगलिंग करिए, चोरी करिए, दुनिया भर की बातें करिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप कुंडलिनी के मामले में मेहरबानी से दूर रहिए। कुंडलिनी को जागृत करने का अधिकार परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। जब तक स्वयं परमात्मा की शक्ति ही इसका अधिकार आपको न दे, तब तक आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप इसकी कॉलेज में जाकर डिग्री ले लें और कहें कि हम कुंडलिनी को जागरूक कर सकते हैं। इस तरह के झूठे बहुत से लोग आजकल संसार में दिखाई दे रहे हैं और वो जान नहीं रहे हैं कि हम कितना बड़ा घोर, अत्यंत भयंकर पाप कर रहे हैं। कुंडलिनी का काम अत्यंत कुशलतापूर्वक करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अत्यंत प्रेम पूर्वक करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रेम भी अत्यंत पवित्र होना पड़ता है। पवित्रता ये धर्म के रोम रोम में छाई हुई शक्ति है। जो आदमी पवित्र नहीं होता है, जो दूषित विचारों से भरा रहता है, जिसका सारा चित्त दूसरों का पैसा, दूसरों की पत्नी या दूसरों को लूटने की ओर होती है, ऐसे आदमी को चाहिए कि वो अपना समय और किसी कार्य में लगाए, लेकिन कुंडलिनी के ऊपर हाथ न रखे। कुंडलिनी जितनी सौम्य है, जितनी कृपालिनी है, जितनी वरदायिनी है, जितनी मातृ हृदय से प्लावित है, उतने ही उसको संभालने वाले गण देवती जो कि उसकी रक्षा करते हैं, वो प्रखर और तेजोमय है। किसी भी प्रकार का खेल जब कुंडलिनी के साथ होता है तो वो पूरी तरह से कुंडलिनी की रक्षा में तत्पर रहते हैं और ऐसे लोगों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं
जो इस तरह का पाप करते हैं। सबसे महान पाप, सबसे बड़ा पाप संसार में यही है कि किसी भी साधक की कुंडलिनी अनधिकार चेष्टाओं से उत्तिष्ठ करना। इससे बढ़ के कोई भी पाप संसार में नहीं है। मां की हत्या से भी बढ़ के यह सबसे बड़ा पाप है कि आप किसी की कुंडलिनी को हाथ लगा रहे हैं अनधिकार चेष्टाओं से। परमात्मा ने यह सारी सृष्टि अपने प्रेम में बनाई है और उसे पवित्रता से भरा हुआ है। यह सारी सृष्टि अत्यंत पवित्र है। उसमें जो कुछ भी अधम है और बुरा है वो मनुष्य ने ही संचित किया हुआ है, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा जीव संसार में बनाया गया कि जो स्वतंत्र है। बाकी सारी ही सृष्टि परमात्मा के इशारे पे नाचती है, एक पत्ता भी उनके इशारे के बगैर नहीं मिलता। सारी सृष्टि में जो अधम से अधम है, जो नरक से नरक है, जो पाप से भी बढ़ के पाप है, वो सब मनुष्य ही का बनाया हुआ है। इसकी रचना मनुष्य ने ही की है और ऐसे ही गिरे हुए अधम लोग जब अधमाधम स्थिति में पहुंच जाते हैं तब वे शैतान के रूप में विचरण करने लग जाते हैं। शैतान परमात्मा ने नहीं बनाए, उसको मनुष्य ने बनाया है और वो शैतान की पूजा करता है क्योंकि उसने ही उसकी रचना की। जब तक हम शैतान को शैतान नहीं कहेंगे, जब तक हम अधर्म को अधर्म नहीं कहेंगे, जब तक हम बुराई को बुराई नहीं कहेंगे, तब तक हमारे अंदर अच्छाई जागृत नहीं होता। आपने सुना होगा कि जब लोग मक्का जाते हैं तो रास्ते में एक वहां शैतान की मूर्ति बना के बिठाई गई है और सब लोग अपने घर से अपने पुरानी चप्पल लेकर वहां जाते हैं और पहले शैतान को मारते हैं, माने उसको धिक्कारते हैं। उसको धिक्कारे बगैर परमात्मा आपको स्वीकार ही नहीं करने वाले और उनके स्वीकार हुए बगैर कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, आप चाहे कुछ कर लीजिए। उनकी मेहर आप पर होनी चाहिए, उनकी दया आप पर होनी चाहिए, उनका प्रेम आपकी ओर उमड़ना चाहिए। वो अत्यंत दयालु करुणामय सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, लेकिन अगर आप अधमाधम कार्य में बैठे हुए हैं और आप उस शैतान की पूजा कर रहे हैं जिसने संसार में एक अजीब तरह का चक्र चला दिया, जिसने अधर्म का एक चक्र चलाया हुआ है और जो उसके बहुत सारे अनुचर संसार में पैदा होकर के अधर्म को फैला रहे हैं, जब तक उस शैतान को तुम पूरी तरह से धिक्कार नहीं करोगे तब तक परमात्मा भी आपको स्वीकार्य नहीं कर सकता। इस मामले में अगर आधा अधूरापन है आपके अंदर में तो आप अपने ही साथ छल कपट कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से आपको धिक्कारना होगा, उसको पूरी तरह से आपको छोड़ना होगा, नहीं तो आप में जो कुछ भी मिथ्या है वही आपके अंदर बैठा रहेगा और जो सत्य आपके अंदर है वो प्रकट नहीं होगा। जब तक आपके अंदर सत्य प्रकट नहीं होगा संसार में भी सत्य कैसे फैल सकता है। जैसे कि समझ लीजिए सूर्य पर अगर बादल छा जाए तो अंधेरा आ जाता है और अगर बादल हट जाए तो सूर्य फिर से चमकने लग जाता है। इसी प्रकार मनुष्य ने ही अत्यंत अधम कार्य करके जो शैतान तैयार किया हुआ है, उस शैतान के बादल आज भी संसार के ऊपर इतनी बुरी तरह से मंडरा रहे हैं कि हो सकता है कि अगर सहयोग पूरी तरह से न पनप पाया तो वो दिन दूर नहीं जबकि हम लोगों का सबका ही सर्वनाश हो जाए और अंधकार के गर्त में हम डूब जाएंगे। उस अंधकार में भी सहयोग में जिन जीवों ने परम कार्य किए हुए हैं वो सितारों जैसे चमकेंगे, तारों जैसे उनकी महिमा हो। ये बहुत बड़ा आपका स्थान है, आज इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन इतिहास में इस बात के
चर्चा होगी इतने सहयोगियों ने सत्य पर अपने पैर जमा लिए थे। आधा अधूरापन छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातों की ओर उलझने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बड़ी चीज पर जमे हुए, इतनी बड़ी चीज पर जमने वाले लोगों को चाहिए कि छोटी मोटी चीजों की ओर बिल्कुल ही ध्यान न दें। आपके अंदर की शक्ति भी आपके स्वयं तैयारी पर ही प्रवाहित होती है। अगर आपकी तैयारी कम हो तो वो शक्ति भी थोड़ा हल्का ही अपना जोर दिखाएगी, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी तरह से है और शैतान को पूरी तरह से नाही और धिक्कार करने की आपके अंदर शक्ति है, तो आप ही में से बहुत बड़े बड़े संत और गुरुजन निकलने वाले हैं। और एक बड़ी भारी पीढ़ी आज जन्म ले रही है, एक 5 साल के बच्चों से लेकर के आज ऐसे नवोदित बहुत से बड़े बड़े जीवों ने एकदम से संसार में जन्म ले लिया है। जैसे कि ऊपर ही से कहीं से सारा की सारा उनका पूरा तबका स्टैका ही उतर आया। बहुत से बच्चे मैं देखती हूँ कि वो पारी पैदा हो गए, पर नींव के पत्थर तो आप ही हैं, सहजयोग के नींव के पत्थर आप लोग हैं। आपको मैंने पहले भी अनेक बार बताया है कि जो लोग आज धर्म के झूठे झगड़े खड़े किए हुए हैं और जो आपस में नफरत से एक दूसरों को देख रहे हैं और उसमें धर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शैतान के बच्चे हैं, ये परमात्मा के भेजे हुए लोग नहीं। परमात्मा ने कभी भी द्वेष और दुष्टता को मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसका खंडन किया है, उनका संहार किया है। जो लोग अपने को बहुत छोटे दायरे में बांधे हुए हैं कि हम फलाने हैं और ढिकाने हैं, वो लोग उस अनंत के गोद में नहीं जा सकते जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो असीम में बैठे। अपनी सीमाएं आपको तोड़नी पड़ेंगी जो आपने मूर्खता से बांधी। कोई भी धर्म आपको सीमा में नहीं बांधना चाहता है, लेकिन जो मनुष्य ने मूर्खों जैसे धर्म बनाए हैं उसका तो कोई इलाज ही नहीं कर सकते। वास्तविक दो ही धर्म संसार में है, एक है धर्म और दूसरा है अधर्म, तीसरा कोई धर्म है ये नहीं। एक है धर्म जिसे धारणा अंदर होती है और दूसरा है अधर्म। जितने बड़े बड़े गुरुजन हो गए हैं सब धर्म के लिए लड़े, और उस वक्त में जो अधर्म में थे उनसे लड़ते रहे। फिर उसका नाम मुसलमान कहिए, चाहे उनका नाम आप हिंदू कहिए, चाहे उनका नाम आप क्रिश्चियन कहिए, लेकिन उनके जितने भी फॉलोअर थे, अनुयायी थे, उन लोगों में वो सत्यता नहीं थी। उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और अधर्म के दो झगड़े होने लगे, एक अधर्म से दूसरा अधर्म लड़ने लगा। धर्म में झगड़ा कोई नहीं होता है, धर्म में कलह नहीं होता है, धर्म सब एक है, सबके अंदर एक है, सब में एक ही बैठता है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। जब आप लोग सबके और हाथ करके खड़े होते तो सभी के सब बताएंगे कि माँ इस आदमी से हमें यहाँ जलन आ रही है, माने उसके आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ है, सबके सब बताएंगे। एक फर्क नहीं बताएगा, दूसरा फर्क नहीं बताएगा। जो कोई भी इस हॉल के इस छत को देखेगा तो यही बताएगा कि ये छत सफेद रंग का है, दूसरा रंग नहीं बता सकता। जब आप हंसेंगे तो एक ही ढंग से हंसते हैं, और जब रोएंगे तो आपके आंख से आंसू आएंगे और एक ही ढंग से आप रोएंगे। उससे भी कितना अधिक धर्म का अपना स्वरूप है जो कि व्यापक है और सबके अंदर एक जैसा है। उस धर्म में झगड़ा होना संभव ही नहीं हो सकता, कलह होना संभव ही नहीं हो सकता। कलह जहां आया समझ लीजिए कि एक अधर्म दूसरे अधर्म से लड़ रहा है। धर्म कभी धर्म के साथ लड़ नहीं सकता। जो आदमी अपने को धार्मिक कह करके और दूसरे को भी कहता है कि आप भी धार्मिक हम भी धार्मिक लेकिन लड़ लें, वो धर्म को जानता नहीं। सहयोग में
ये किस तरह से होता है, ये समग्रता कैसे आती है, कुंडलिनी का उद्दीपन कैसा होता आदि सभी कुछ आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है और फिर भी मैं आपको बताऊंगी किसी वक्त। लेकिन ये तो देखने का मजा है जब आप खुद ही शक्ति को पा लेते हैं, जबकि पहली शक्ति जो कि आपके हृदय में है, इससे आपके प्राण है वो प्रेम हो जाती है, और जो आपके पेट में धर्म है वो आपके अंदर में सारे संसार की जागृति हो जाती है, और जो आपकी चेतना आपके सर में है वो सारे संसार का ज्ञान हो जाता है। उसी वक्त आप जान सकते हैं कि ये कुंडलिनी का उद्दीपन आप ही के इन हाथों से कैसे हो रहा है, आप ही के इशारों पे कुंडलिनी कैसे उठ रही है, और आप ही के बंधनों में यह धर्म कैसे चरमरा रहा है, और आप ही के खींचे हुए तारों में ये किस तरह से मर जा रहा है। आप ही देख सकते हैं कि आपके जो दो चार तीर कमान इस अधर्म को लग जाए तो ये किस तरह से अपना मार्ग छोड़ करके और चला जाता है, और कुंडलिनी अपने रास्ते पे साफ साफ आ जाती है। किस प्रकार शरीर में छिपी हुई व्याधियां एकदम से नष्ट हो करके और कुंडलिनी सामने ऊपर एक गंगा भगीरथ जैसे ले आए थे उसी तरह से उतरती चली आती है। गंगा को लाने के लिए तो भगीरथ ने अनेक प्रयत्न किए थे, और इस कुंडलिनी को लाने के लिए भी मैंने अनेक प्रयत्न किए हुए हैं पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी, लेकिन अब उसका फल आप लीजिए कि आपके दरवाजे ही पे गंगा बह रही, आपके इशारे पे कुंडलिनी चलेगी, आप रास्ते चलते हुए लोगों को जागृति दे सकते हैं, आपके हाथ से अनेक कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं, ये बात सही है और होना ही चाहिए, होते ही है। ये सब कैसे हो रहा है, इसका कारण यह है कि आप उस सर्वव्यापी परमात्मा की प्रेम के शक्ति के एक आयुध हो गए हैं, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके अंदर से वही शक्ति प्रवाहित हो रही है और आप उस शक्ति का कार्य कर रहे हैं। अब इसमें झगड़े का कौन सा सवाल उठता है, क्या मेरा ये हाथ इस हाथ से हर समय झगड़ा करते रहता है? जिस दिन ये झगड़ा शुरू हो जाएगा तो हम यही कहेंगे कि ये हाथ इससे अलग हो गया और ये कोई हमारे हाथ नहीं। इसी प्रकार इस सर्वव्यापी शक्ति को हमारे अंदर जब हम पा लेते हैं तो हम सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। बहुत से लोगों को पहले भी ये शक्ति मिली है, बहुत कम लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि मैंने जब पढ़ा जेन का, जेन छठी शताब्दी में जापान में शुरू हुआ था और उसने भी यही कुंडलिनी जागृति का कार्य किया था विदितामा ने, और उनके कुल 26 आदमी छठी सेंचुरी से लेकर आज तक पार हुए हैं, और अभी तो कम अज कम 3-4 सेंचुरी से कोई पार ही नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं क्या हजारों आदमी पार होते जा रहे हैं। बहुतों को हुआ है, किसी किसी को नहीं भी होता है, लेकिन हो ही जाता है, आज तक ऐसा कोई नहीं कि वो आता रहे और उसको न हुआ। जो भी आया, जो यहाँ बैठा, उसे पाने का प्रयत्न किया, सब लोग पार हो गए, ऐसा हमें आज तक कोई मालूम नहीं है जो पार नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जरूर तैयार करके आना चाहिए कि शैतान को आपको जूते मारने पड़ेंगे, शैतान को आपको पहचानना पड़ेगा, उसको आपको छुट्टी देनी पड़ेगी, उसको अपने हृदय से निकाल देना पड़ेगा। और कौन शैतान है और कौन परमात्मा है, इसकी पहचान इन्हीं चैतन्य लहरियों से हो सकती है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो जिनके पास है उनकी बात सुनिए, जो इसको जानते हैं उनकी बात सुनिए, जिन्होंने इसे पड़ताला है उनकी बात सुनिए, और इसी प्रकार आप जान सकेंगे कि कौन शैतान है और कौन धर्मात्मा है, कौन असली गुरु है और कौन नकली है। संसार में जैसे असली फूल होते हैं ऐसे प्लास्टिक के भी फूल होते हैं, लेकिन उसकी पहचान आपके आंख से, नाक से, मुंह से, हर एक चीज से हो सकती है कि ये प्लास्टिक का फूल है कि ये आपके सच्ची फूल है। लेकिन धर्म को जानने के लिए सिर्फ आपको वाइब्रेशन चाहिए, उसके बगैर आप जान ही नहीं सकेंगे कि आदमी पाखंडी है कि झूठा है कि अधर्मी है कि राक्षस है, ये आदमी धर्मात्मा है और ये आदमी परमात्मा है, ये आदमी अवतार है, ये आदमी बहुत बड़ी शक्ति है। उसको जब तक आपके हाथ में वाइब्रेशंस नहीं आएंगे आप जान नहीं सकते। इसलिए ये चीज सबसे पहले आपको पाना चाहिए कि असली वाइब्रेशंस जो हाथ में ठंडे ठंडे आना है, एकदम हाथ में ठंडे 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 ठंडे, जैसे कि कोई कूलर से आ रहे हो, इस प्रकार आपके अंदर आने चाहिए। इसके अलावा आपके विचार आपके काबू में आ जाते हैं, आप निर्विचार हो जाते हैं, और जब आप विचारों की ओर देखते हैं
आप देखते हैं कि आप एकदम निर्विचार हो गए, कोई भी विचार नहीं आ रहा है। जब भी आप विचार की ओर देखेगा निर्विचार हो जाता, ये असलियत है, ये सत्य है। इसमें मैं तो आपको कोई झूठा वादा नहीं कर सकता, मेरे आपका कोई झूठा रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें कोई झूठी बात नहीं चल सकती। जब तक आप पार नहीं होंगे तब तक होंगे नहीं, चाहे आप मेरे कोई लगते हो। कोई आप कितना रुपया दे मैं नहीं पार कर सकती, आप बड़े पढ़े लिखे होंगे अपने घर में बैठिए, मैं नहीं पार कर सकती आपको। आप तभी पार हो सकते हैं जब हो सकते हैं, जब हो गए। कोई भी हो आप, मैं मजबूर हूँ, मैं आपको ऐसा झूठा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसमें झूठ नहीं चल सकता, किसी भी तरह का झूठ नहीं चल सकता, ये सच्चाई होनी चाहिए। आपको खुद अनुभव होना चाहिए, आपके अंदर दिखाई देना चाहिए और आपके हाथ से इसका बहता हुआ प्रवाह दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए, तभी आप पार हो गए। हाँ, मैं आपको धो मांज के साफ कर दूंगी, आपको प्यार से स्नान कर दूंगी, आपके कुंडलिनी को समझा दूंगी, सब कुछ कर लूंगी, लेकिन यह होना पड़ेगा। जिनके नहीं होता है वो दुनिया भर का पाखंड रचते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं और बातें बनाते हैं, उसकी मुझे परवाह नहीं है। लेकिन तुम लोग उसकी परवाह ना करो और अपना ही कल्याण साधो, अपना मंगल साधो, अपने को सत्य के रास्ते पे रखो। चाहे दो चार लोग कम हो, चाहे हजार लोग ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अब ध्यान में जाएंगे, सब लोग इस प्रकार पहले हाथ रखें, आंख अभी बंद नहीं करें शुरू में।